लाल सिंह चड्ढी लाल सिंह चड्ढी कि बॉलीवुड के कुछ हीरो बहुत सारे ठरकी है क्या क्या ट्रेंडिंग चल रहा है ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पे बहुत फिल्म आ रहा है क्यों रीजन क्या है वो लंबे दाढ़ी बढ़ा दिए और आमिर नहीं दिख रहे इसलिए पता नहीं पर ऑडियंस मतलब कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सिनेमा घरों में ना आए ये मूवी रीजन क्या है रीजन तो बता रहा है आमिर खान को डर लग रहा है कि मूवी चले नहीं चले आमिर खान कब से डरने लग गए आमिर खान को बोलो डरने की क्या जरूरत है मेरा फ्रेंड है आमिर खान और लाल चड्ढा ना लाल सिंह चड्ढी सॉरी सॉरी माफ करना देखो देखो नहीं लाल सिंह चड्ढा सॉरी प्लीज मैं आप लोग को बोलती हूँ अगर आप लोग ने ये दिखाया ना माँ के साथ मैं आत्महत्या कर लूंगी सर गुस्सा हो जाएगी नहीं नहीं सॉरी वो टंक है ना सॉरी यार वो सब नहीं बाबा लाल सिंह चड्ढा कोई थे क्या नहीं नहीं पता नहीं कोई मंत्री मंत्री हो गए या कोई हमारे पुराने जमाने के रियल पर्सन के ऊपर है देखो मुझे मालूम नहीं है हाँ मुझे मोदी जी के बारे में बोलो तो मुझे मालूम है ना मुझे मोदी जी के बारे में बोलो तो मुझे मालूम है और मैं और उनको और किसी को जानते बापू के बारे में मालूम है और वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में मालूम है तो मुझे इनके बारे में नहीं मालूम है तो मैं क्या बोलूँ है ना कंट्रोवर्शियल सीन्स हिंदुइज्म के बारे में इसलिए अच्छा कंट्रोवर्सी के बारे में कंट्रोवर्शियल सीन्स हिंदुइज्म के बारे में कुछ दिखाएं इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं अच्छा नहीं आमिर खान तो एक ब्रेव है आमिर खान किसी से डरते नहीं है उनकी फिल्में तो डेफिनेटली रिलीज होती है भाई मैं तो नहीं बोलती अगर कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल है तो आप उसको काट दो सीन को और रिलीज करो आमिर खान तो ब्रेव है और आमिर खान की एक बार फिल्म आती है वो तो सबको मात दे जाती है आसमान छू जाती है नोटों की बारिश होती है okay, तो जैसे कि अभी साउथ इंडियन फिल्में आ रही है ज्यादा वेट कर रही है बॉलीवुड के तो ऐसे अरे बताओ चलो बॉलीवुड के हीरो क्यों नहीं ज्यादा चल रहे और साउथ इंडियन हीरो क्यों ज्यादा चल रहे बताओ क्या तुम लोग को मालूम है क्यों क्योंकि बॉलीवुड के कुछ हीरो बहुत थोड़ा ठरकी है कुछ सब नहीं बिल्कुल बताओ मैं भी साउथ इंडियन हूँ इसलिए बताओ बताओ अरे तुम तो मेरी जान हो बताओ साउथ इंडियन के बारे में अच्छा बिल्कुल बोलो पकड़ो पकड़ो भाई पकड़ो साउथ के हीरो इसलिए अच्छे होते हैं पोलाइट होते हैं शांत होते हैं सूट बूट पहन के बाहर नहीं निकलते जैसे घर में आते स्लीपर पहन के बाहर निकल जाते मेरे जैसे मैं स्लीपर पहन के आया था एक्शन में यहाँ पर मुझे बोलने तो दो हर चीज मेरे जैसे मैं साउथ इंडियन हूँ ना इसलिए हाँ तुम तो मेरी जान हो मेरा भी चप्पल पहन के घूमता हूँ तुम तो मेरे दिल की धड़कन हो पापा मेरी जान तो क्या है ना साउथ वाले हीरो जो है ना वो अरबों खरबों इतने पैसे कमाते हैं लेकिन वो आप उनके घर में जाके देखो बीवी बच्चों के पास रहते हैं ज्यादा गर्लफ्रेंड के पीछे भागते नहीं है इतने शरीफ हीरो है साउथ के अपनी बीवियों को सताते नहीं है बीवी घर में है बच्चे घर में है उनको घुमाने फिराने लेके जाते हैं और उनके साथ ईमानदारी से रहते हैं घर में बीवी घर वाली बाहर वाली बिल्कुल नहीं करते हैं हीरो नहीं आ गए तो उसको नैन में टक्का करके अफेयर नहीं शुरू कर देते हैं हमारे कुछ बॉलीवुड के हीरो है ना ऐसा करते हैं शादी हो जाती है उसको कोई आगे बढ़ा देता है उसको छोड़ देते हैं और दूसरी हीरोइन आ गई उसका शिकार करके आगे बढ़ जाते हैं अभी बोलो मैं भी हूँ क्या अभी बोलो मैं भी हूँ क्या इतना सब बोलने की वजह ये बोल दो कि आदिल जैसे हैं होगी बात खत्म मैं भी ऐसे ही तो तुम ऐसा नहीं तुम मेरा इस्तेमाल कभी नहीं करोगे मैं चप्पल पहन के शो में आया हूँ तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते चप्पल पहन के शो में आया हूँ नहीं अभी बीच में काटा मत तो क्या है ना कि वो शरीफ है साउथ के हीरो अपनी बीवी कैसी भी हो दो बच्चे की माँ तीन बच्चे की माँ लेकिन वो घर निभाते हैं चाहे आप अल्लू अर्जुन देखो चिरंजीवी देखो जितने भी हीरो हैं देखो हाँ महेश बाबा मम्मूटी जितने भी हीरो देखो रजनीकांत सर ये अपनी बीवी बच्चों को नहीं छोड़ते और बाहर जाके मुंह भी नहीं मारते इसीलिए इनकी बीवियों की दुआ लगती है और ये सुपर डुपर मेगा स्टार बनते यहाँ पे तो एक हीरोइन आती है हमारे मैं बॉलीवुड की बुराई नहीं कर रही मैं उन स्टारों की बुराई कर रही हूँ जो बीवी घर में होते हुए भी बाहर जाके मुंह मारते और आमिर खान की तो बिल्कुल बात नहीं कर रही मैं सारों से समझ गई पब्लिक मैं मुझे नहीं मालूम